तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मेरे वीडियो को यू ही देखते रहिए, मुझे यू ही सपोर्ट करते रहिए और गुरुजनों को मेरा नमस्ते। तो हाँ, किस बात की देरी है, चलिए मेरे वीडियो के पास चलते हैं। पहले ही आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं आज कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। मुझे कुछ बात करना था आप लोगों से, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था ऐसा वैसा, और अभी बजा है शाम का, ठीक है, इवनिंग तो हो चुका है, शाम बोल रही हूँ मैं, रात का 7:30-7:45 बजे, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मुझे, तो मैं शेयर करने के लिए चली आई। तो आप मेरा हुलिया देख सकते हो, किस तरीके की होकर बैठी हूँ मैं अभी। तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक है, या फिर जो कुछ भी आप कहो, तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आप लोग ये मत समझना कि मुझे कोरोना हुआ है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं डॉक्टर दिखा के आ चुकी हूँ। और हाँ, एक पॉइंट था जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जो है मैंने भी ये सोचा था कि मुझे कोरोना हुआ है, हाँ ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, जो भी हो। और क्योंकि मेरे गले में ही हुआ है एक इन्फेक्शन, थोड़ा सा एक इन्फेक्शन जो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरे आवाज़ को सुनकर सुन सकते हो, ठीक है, बात नहीं कर पा रही हूँ, गले में थोड़ा सा अभी ये खांसी वाला बिल्कुल नहीं, ये खांसी का मैं बाद में पॉइंट पे आती हूँ। तो पहले वाला पॉइंट यही है, जो है मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, कल्याणी JNM में मैंने दिखाया है, ठीक है। और दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला गले में एक थोड़ा सा हमारे जो टॉन्सिल वाला एरिया होता है ना दो साइड में, तो उसके बाद वो टॉन्सिल वाला एरिया के साइड में थोड़ा सा वो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, कफ वो इधर उधर रहता है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, इंस्टेंटली वो निकल के आ रहा है, ठीक है, बाहर। तो मुझे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, नहीं ऐसा आप बिल्कुल मत समझना, सांस लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और कुछ भी नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मेरी तबीयत को, ना मुझे वो फीवर आ रहा है, या फिर कुछ भी नहीं मुझे हुआ, सिर्फ वो ही हुआ है और वो इंस्टेंट निकल के आ रहा है। और ये हो रहा है मुझे 5-6 मंथ हो गया। और हाँ, अभी आप लोग ये पूछोगे कि मैं अभी क्यों बता रही हूँ, अभी इसलिए बता रही हूँ, मैं पहले 2-3 महीना मैं वो खा चुकी थी, ठीक है, दुकान से ख़रीद के, वो कुछ सिरप होता है जो दुकान वाले दे देते हैं बोलने के बाद कि हाँ ये खा लो ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2-3 महीना 2-2.5 महीना ऐसा किया, ठीक है, मैंने वो पिया सिरप, पीने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि ठीक हो रहा है, हो नहीं रहा है, हो रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करते करते 3 महीना हो गया, 2.5 महीना खाया, 3-4 महीना हो गया। मैंने बीच में क्या किया, मैं रानाघाट में रहती हूँ, तो रानाघाट पे एक डॉक्टर है जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, जो कुछ भी एक बड़ा डॉक्टर है, उसके पास मैं गई थी, और उन्होंने क्या किया, मुझे 3 बार मैं दिखाई थी, चेकअप के लिए गई थी, और वो उन्होंने बोला कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके गई थी और मेडिसिन वो चेंज करके दिया। 3 बार मेडिसिन 3 टाइम देने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत ही बड़ा एक डॉक्टर है, तो उसका ENT स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने भी बोला मुझे कोरोना कुछ भी नहीं हुआ है। और देखो यार, सीरियसली मुझे अगर कोरोना हुआ है ना, वो मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, दूसरे मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, अब गलत मत समझ लेना, कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ कोरोना होता है, वो भाग के कहीं उधर किधर विधर चला जाता है, लोग ढूंढ नहीं पाता। मेरा अगर कोरोना होगा तो मैं खुद ही जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे जीना है भाई, मुझे जीना है, ठीक है, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर वाले जो है, मेरे घर पे मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे भाभी, ठीक है, ऐसे लोग, उन लोगों को भी ये कोरोना आ जाए उनके शरीर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मेरा हुआ ही नहीं है कोरोना। तो मैं उन लोगों को, वो डॉक्टर को दिखा रही थी, तो 3 टाइम दिखाने के बाद मेरा कुछ भी नहीं हुआ,
और वो गलत सलत दवाई दे रहा था। ये मैंने इसीलिए बोल रही हूँ गलत दवाई, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बोल रही हूँ। जो मुझे देखो ऐसा हुआ है कि आप बोलो कि नहीं गलत दवाई नहीं है, क्योंकि मुझे मैंने वो गूगल में थोड़ा सर्च किया तो मैंने देखा वो डिप्रेशन वाला दवाई है, मुझे तो डिप्रेशन है ही नहीं है भाई। देखो हो जाता है कि कभी कभी माइंड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ बॉडी में, देखो किस जगह से कौन सा रोग शरीर में घुस जाता है ये सब हम नहीं बोल सकते, वो डॉक्टर ही बोल सकते। लेकिन ऐसा बात हुआ है कि मुझे वो सब हुआ ही नहीं, अगर होता भी मुझे डिप्रेशन तो वो तो ठीक हो जाता ना यार। वो दवाई मैंने खाया था, मैं जानने के बाद भी एक हफ्ता वो चलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोच लिया, वो उसका भी वन मंथ के बाद मेरे हाथ में कोई पैसा वैसा नहीं था और मैं पापा से भी मैं नहीं ली, कुछ थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। वो करने के बाद मैं खुद ही गया JNM हॉस्पिटल में, जाकर मैंने दिखाया। वो डॉक्टर दिखाने के बाद मेरा अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, फुल नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। और ये जो खांसी हो रहा है ये मुझे 1 ईयर बाद, मुझे 1 ईयर में कोई भी सर्दी खांसी बोलो या फिर वो फीवर बोलो, सांस में प्रॉब्लम बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना मुझे है, ठीक है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ना मुझे हुआ है 1 ईयर में। लेकिन ये जो गले का प्रॉब्लम है ये मुझे क्यों हुआ है ये मुझे नहीं पता। वो 2020 में उसे क्या बोलते हैं हुआ है, हाँ तो आप ये मत समझ लेना, ठीक है, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी है। और हाँ अब मेरा अभी हाफ ठीक हुआ है और मैं अभी जाऊँगी सामने वो एक हफ्ता भी नहीं है, 5-6 दिन के बाद, हाँ 4-5 दिन के बाद अभी फिर से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी JNM में, तो ठीक हो जाएगा शायद। और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और जब मैं आप लोगों के साथ नॉर्मली वीडियो बना रही थी तब भी मुझे वो प्रॉब्लम था लेकिन मैं थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अभी कुछ पूरा वो जो 15 वाला दिन था, 15-20 दिन मैंने वीडियो नहीं किया, तो यही सब चल रहा था मेरी लाइफ में, ठीक है, तो आप बुरा मत समझना। तो इसीलिए मैंने बोल दिया आप लोगों को, यही मैं बोलने के लिए आई थी। और जो है गाइस, देखो यार मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, जीजस को वो जीजस को बुलाओ या फिर जो कुछ भी करो करो यार। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही हूँ और मेरा तबीयत का हालत देखो, आप मेरा आँख देखो, मेरा बालों का हालत देखो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी स्वेटर पहनी हुई हूँ, स्वेटर तो बहुत ठंड के वजह से पहनी हूँ। और हाँ कल नहीं परसों के दिन मैं घूम के आई बाहर से, घूम के आने के बाद मेरा वो मामा का जो लड़का है उसका भी एक छोटा सा लड़का है पिद्दू सा, ठीक है, उसका जन्मदिन था। वो मैं रात 10 बजे, इतना ठंड फैला था ठीक है रानाघाट में, और मैं रात 10 बजे खा के आई, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे लगा ना ठंडे, पूरा ठंड लग गया मुझे, इतना ज़्यादा मेरे माथे के ऊपर बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, वो ठंड लग गया, इसीलिए मुझे खांसी हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो गई हूँ और मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी वीडियो। और कुछ प्रॉब्लम है मेरे पर्सनल लाइफ में जिसके लिए मैं वीडियो घर में भी नहीं बना पाती। और देखो सबके घर वाले ठीक एक्सट्रोवर्ट उतना नहीं होते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं उतना ज़्यादा बात, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं ये सब समझती हूँ, वो लोग नहीं समझते। कुछ कुछ घर के लोग होते हैं जो मेरे घर में भी है वो ये सब बातें ज़्यादा नहीं समझते हैं, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब में मैं क्या करती हूँ वो अभी तक नहीं जानते हैं। और मैं थोड़ा बहुत बोला और उन लोग, देखो मेरे घर पे क्या है कि मुझ में उतना इंटरेस्ट कोई नहीं लेता, ठीक है,
तो क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो लोग उनमें उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो क्या है कि मैं घर पे वीडियो जब बनाती हूँ प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं बाहर ही बना लेती हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग थोड़ी देर टू थ्री मंथ या फिर फोर मंथ वेट कर जाओ, ठीक है, ये सब ठीक हो जाने की मैं कोशिश करूँगी ठीक कर देने की, ठीक है। और हाँ, ठीक पूरा फुलफिल ठीक हो जाएगा, टू थ्री मंथ या फिर फोर मंथ वेट करो, मैं खुद को बोल रही हूँ टू थ्री मंथ वेट कर जा प्याली, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना पाती हूँ, वो तो है मेरा तबीयत खराब और मेरे घर पे लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, और उतना मैंने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं लेते और प्रॉब्लम हो जाता है। घर पे लोग ज़्यादा इस बात को लेकर सोच नहीं है। और हाँ, जो कि है, और मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को, हाँ, जो कि खुश रहो, मज़े में रहो, और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, दिल में पॉजिटिविटी रखो, माइंड में पॉजिटिविटी रखो। जब जैसे कि देख पा रहे हो मैं कितनी पॉजिटिविटी रख के चल रही हूँ, अभी 15-20 दिन हो गया, मैं ज़्यादा तबीयत खराब था मेरा, और मैं अभी तक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, जाओ प्याली, आगे जाओ और आगे बढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी, ऐसा ही पॉजिटिविटी मैंने भी रखा, आप लोग भी रखो, और मज़े करो, खुश रहो, मस्ती में रहो। और अगर मैं कहीं ना कहीं पर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया साइट पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरा बातें पूरा सुनना लास्ट तक प्लीज़ यार, नहीं तो आप मुझे समझ नहीं पाओगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना, ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोगों के पास सब वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और यार क्या कर रहे हो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर दो भाई, इतना तबीयत खराब है मेरा, मैं बहुत जल्द वीडियो रहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला, मैं आपको आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ यार कर दो। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना, और प्रार्थना करना मेरे लिए, दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और आप लोग को वीडियो दे सकूँ। तो बाय।